औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल सलाम महबूबे रब्बल मशरिकैनल मगरिबैन जद्दल हसने वल हुसैन अबुल कासिम मोहम्मद मोहतरम आज ये बोलने की जरूरत नहीं है कि कौन सी रात जब आप इस मस्जिद में अब्बा चौक में एंटर हुए तो इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन नजर आ रहा था तो कोई अजनबी आदमी भी देखेगा तो पूछेगा कि यहाँ क्या हो रहा। तो आज की रात इस बर्थडे नाइट सालगिरह की रात उस अली की सालगिरह की रात कि जिसके आने से इस दुनिया की इस कायनात की तकदीर बदली कायनात की तकदीर बदली डेस्टिनी बदली। तो अगर कायनात की तकदीर बदली तो हमारी भी बदल सकती ना। अगर हम ट्राई करें आज की रात ये रात जो है 8-9-10 आवर्स की रात नहीं ये रात तुम्हारी जिंदगी को बदलने की रात है। हमारे सामने पढ़ते हैं हम तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या रात है लेकिन अगर आप चाहें पूरा युग मेरे सामने इफ यू रियली वॉन्ट टू चेंज योर डेस्टिनी यू कैन चेंज तुम बदल सकते ये वो रात है। खाली ये बाहर इतना अच्छा ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा वेरी गुड बहुत अच्छी बात है होना भी चाहिए इसलिए कि दुनिया को बता तो चले कि किसकी बर्थडे उस अली की बर्थडे है कि जिसकी मोहब्बत ईमान है जिससे बख्श कोफरों के बाप है जिसकी मोहब्बत वाजिब है बगैर अली की विलायत के कुछ नहीं है। सारी नमाजें एक तरफ सारी इबादतें एक तरफ विलायत अमीरुल मोमिनीन एक तरफ ये मेरे जुमले नहीं ये अल्लाह के रसूल के जुमले। अल्लाह के रसूल ने मस्जिद में मदीने में लोगों से पूछा मस्जिद भरी हुई है अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस शख्स के बारे में उस आदमी के बारे में क्या ख्याल है कि जिसने पूरी जिंदगी इबादत की पूरी जिंदगी जिसने अपनी जिंदगी में कोई हराम नहीं किया उसके बाद कहा कि कोहे अबू उबैस कोहे अबू कोह पहाड़ को कहते मक्के में एक सलात पढ़े मोहम्मद मक्के में पहाड़ है माउंटेन खाने काबा के सामने ये वही सबसे बड़ा पहाड़ जो मक्के का वो यही कहा कि अगर को है अब उबैस के उतना सोना रहा है खुदा में खराब करे 40 हज पाप यादा करे पाप यादा के मतलब विदाउट शूज ये बहुत सवाब है पहले लोग करते थे मक्के से पैदल आते 40 हज करें उसके बाद सफा मरवा के दरमियान बेटना खतल हो जाए तो ये शख्स का क्या होगा। तो पूरे मजमे ने पुकार के कहा कि या रसूलल्लाह पूरी जिंदगी इबादत करें अपने आप को हराम से बचाए इतना सोना अल्लाह की राह में दे और 40 हज करे और हज के साथ बेगुनाह मर्डर हो जाए खतर हो जाए वो तो सीधा जन्नत में जाएगा। तो अल्लाह के रसूल का जुमला कि इतनी इबादतों के बाद भी अगर परे मगज के बराबर परे मगज से नाखून के कोर को बोलते परे मगज के बराबर गुस्से अली होगा तो मुंह के बल जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो ये जहन में रख के आज की रात अपनी जिंदगी को बदलो ये बात तो बीच में आ गई के सारी इबादतें एक तरफ है विलायत अमीरुल मोमिनीन एक तरफ आज की रात सबसे बड़ी रात है बदर की इसलिए कि ये रात गुजरेगी और सुबह में वो नूर दुनिया में आया कि जिसका इंतजार रसूल को था। मैंने तकरीर का आगाज जिस आयत के जुज़ से
से किया। ये वो एक आयत है अलफ़ुल मोमिनून, ये सूरे मोमिनून की इब्तदाई आयत है, पहली सूरे मोमिनून कुरान का जो सूरा उसकी आयत है। ये एक आयत ऐसी है कि कुरान नाजिल होने से 12 साल पहले 12 years before ये आयत पढ़ी गई थी मक्के में। कुरान में भी 12 साल पहले 12 years before ये आयत को पढ़ा गया। और किसने पढ़ा था? जब अल्लाह का रसूल कल की सुबह खाने काबा में आया 16 रजब को, और इमाम अली को आगोश में लिया, लेने के बाद उस वक्त रसूल को पूरी तफसील में आगे बताऊं, उस वक्त रसूल ने ये कहा था या अली कुरान सुनाओ, तो अमीर मोमिनीन ने ये आयत की तिलावत की। कलफरहुल मोमिनून की समाधत क्या है? अली ने आते ही ऐलान किया, आते ही जमीन के ऊपर जब ऐलान यही किया कि अब हर मोमिन फला पा गया, इसलिए भी अमीर मोमिनीन आ गया। यह आयत का मतलब है कि मोमिन फला पा जाएगा, नजात पा जाएगा। तो वेरी वेरी क्लियर वैसे दोस्तों, ये रात शबे बिलादत के अमीर मोमिनीन ये हुआ क्या सवाल है। देखिए तारीख में हिस्ट्री में कई ऐसी चीजें कि कई लोग बोलते हैं कि इमाम अली काबे में पैदा हुए, लेकिन 99% हमारे सारे उलमा ने कहा कि अली काबे, आज तक काबे में अली की विलादत की निशानी है, आज तक निशानी है। अगर आप उतने यमानी की तरफ जाए तो आज भी दीवार काबा में वो क्रैक मौजूद, दुश्मन ने हर वजह से ट्राई किया था कि वो क्रैक को मेट दे, लेकिन जिसको अल्लाह बाकी रखना चाहते कौन मेट सकता। काबे में आज भी अगर आप जाएंगे बिल्कुल हजर अस्वद से जो पीछे की लाइन पे आते हैं, वहां पे इतना बड़ा क्रैक है, उसमें उन लोगों ने चांदी लगा दी, सिल्वर लगा दी। ये रात जब मक्के में आई, पहले मैं इतराजात बताऊं कि लोगों के इतराज का क्रिटिसाइज क्या था। ये इतराज किया गया अली की विलादत काबे में नहीं मक्के में किसी घर में, या हुई वहां हुई या हुई वहां, लेकिन सारे उलमा ने अहले सुन्नत के उलमा ने भी लिखा कि इमाम अली की विलादत। विलादत का वाकया ये कि आज की रात जब आई तो आधी रात के बाद मिडनाइट के बाद बीबी फातिमा बिनत असद जनाबे अबू तालिब के घर से बाहर आई। जनाबे अबू तालिब का घर बिल्कुल खाने नामा के सामने आज भी का शोएबे अबू तालिब के वही जनाबे अबू तालिब का घर। आधी रात में अबू तालिब उधर गया है, ये अहले सुन्नत के बड़े मौलवी ने लिखा है इस बात। आए तो वहां पे जनाबे अब्बास, कौन है जनाबे अब्बास? अल्लाह के रसूल के चचा है, जनाबे अबू तालिब के छोटे भाई, जिससे ये पूरी बनी अब्बास थे, ये वो और अबू जहल या अबू लहब के रिवाज वो लोग बैठे हुए। उस वक्त काबा ऐसा नहीं था जैसा आज का है ना, हमको ज्यादा नसीब करे आज काबा बिल्कुल आ रहा है जगह वही। उस वक्त पूरा वहां पे रेत थी, डेजर्ट था, लोगों के घर थे अकराब में, इतना बड़ा काबा नहीं था। तो वहां पर उन लोगों ने कहा, देखा कि जनाब ये फातिमा बिनत असद घर से उतर के आए और आके तवाफ किया काबे का। काबे के तवाफ का बहुत सवाब, काबे में नमाज का सवाब है लेकिन ज्यादा सवाब तवाफ का है, चक्कर लगाने का। जैसा मस्जिदों में एक दो रकअत नमाज पढ़ो मस्जिद में खुबा एक खाते में टुकड़े का सवाब मिलेगा, मस्जिद नबवी में पढ़ो 1 लाख रकअत, नजफ शब करबला में पढ़ो 1 लाख रकअत, लेकिन काबे में मैं ये नहीं बोल रहा कि नमाज को नहीं सवाब है, लेकिन काबे में तवाफ का सवाब ज्यादा है। शुरू से जो जाहिर जाता है काबे का एक उसूल है, जब भी आप इंशाल्लाह हमको जल्द से जल्द जाना नसीब करें, काबा जब भी जाना तवाफ जरूर करना, यानी कि नमाज पढ़ के वापस आते हैं, ये कभी नहीं करना। ये सुन्नी शिया सारा लोगों के तवाफ है काबा लाजिम है। तो बीबी आई अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब बोलते हैं कि आई और आकर तवाफ किया, तवाफ करके ये जो मकाम है रुकने यमानी है वहां जाके ठहर गए और दुआ मांगे। आमतौर पर क्या होता है काबे में, जो भी काबे के पास जाएगा हजर अस्वद के पास जाके दुआ मांगता या काबे का जो दरवाजा है वहां जाके, समझ में आई बात? हजर अस्वद के पास जाएगा
दीवार हटी और फातिमा बिनत असद उसके अंदर दाखिल हुई। अब मैं आपसे ये पूछता क्या करना है, दीवार के सामने खड़ा हुआ और दीवार फट जाए तो मैं क्या करूंगा, आगे जाऊंगा पीछे जाऊंगा? मर्द भी जितना भी बात करो, दीवार अगर क्रैक हुई, दीवार फटने लगी तो इंसान पीछे हटता, आगे कोई नहीं कर। फातिमा ने जाके बताया कि मैं करनारन, मैंने करनारन की मां बीबी, आगे बढ़ गई और दीवार पे गई। अब ये वाकया सबने देखा, सबने देखा। अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि हमने दौड़ते हुए और आकर हमने देखा कि दीवार तो मिल गई। हम काबे के अतराफ चक्कर लगा रहे थे, उसके बाद इसकी जब चीज के दरवाजे लॉक, मैं आपके हिस्ट्री में बता रहा, हिस्ट्री में हुआ कि हमको मालूम होना कि काबे में मौला पैदा हुए तो कैसा हो, ये पूरा बादशाह क्या, ये इंसिडेंट क्या है। मैं सिर्फ हिस्ट्री का स्केच बता रहा, कल परसों की मजलिस में दूसरी डिटेल में जाऊंगा इंशाल्लाह। तो लोग सीधा कर देना है मुतालिब के पास, इसलिए ये सारी चीज वही कायनात की भी वही थी। गए जरा मुतालिब के पास और जाके कहा कि गजब हो गया। अच्छा यहाँ मुतालिब बड़े रिलैक्स बैठे हो, इंतहा रिलैक्स। आप इमेजिन करो अगर किसी की वाइफ रात में 12 बजे जाए और दरवाजा बंद हो जाए, घबराएगी नहीं? और जबकि ये वो स्टेज था कि बिल्कुल विलादत खली थी, 9 months की प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई। अब्बास ने जाके कहा कि अब मुझे हल्ले करेंगे, तुम्हारी बीवी अंदर ना करो, चाबी दो। आपने चाबी दे, परेशान हुए नहीं तो ऐसे मालूम होना इनको भी मालूम था होने वाला क्या है, जबी तो आगे नहीं बढ़े ना। वो गए और इन्होंने रात भर ट्राई किया, लौटी नहीं। सुबह हुई पूरे मक्के में धूम हो गई कि अबू तालिब की दीदी काबे के अंदर है। उधर ने इस्लाम नहीं आया, जो खाना ने रिसालत ने इस्लाम कर, हर आदमी परेशान हो रहा। हर मक्के के घर में, हर मक्के के घर में यही आवाज थी कि फातिमा बिनत असद काबे के अंदर। एक दिन गुजरा, अच्छा कहीं बाहर से खाना भी नहीं जा रहा, बीच वर्ष ना पानी जा रहा, टोटल बंद है, ना खाना गया ना पानी गया 3 दिन तक। दोस्तों जब मरियम के पास ईसा पैदा हुआ तो अल्लाह ने जन्नत से खाना भेजा, ये तो फखरे मरियम है। जन्नत से मैं जाहिरी बात पर खाना नहीं है, जन्नत से खाना 3 दिन तक बीवी अंदर ही नहीं। मैं इसको शॉक कर रहा, 3 दिन के बाद 16 रजब, आज 13 का 13 है एंड 16 रहे, 16 रहे हो सुबह के बाद अल्लाह का रसूल और जनाब अबू तालिब दोनों घर से उस वक्त तक एला में रिसालत नहीं हो, दोनों नीचे उतर के आए काबे में। अब उसी स्पॉट के पास जाके थे कि जहां दीवार शक्ति थी, ऐसे मालूम होना कि रही तो इंफॉर्म था रुके दीवार फिर पड़ी और जनाबे फातिमा बाहर बच्चे को लेकर तड़प पड़े यार। आपने एक बात और की, वापसी में अल्लाह ने दरवाजे पे भी नहीं बुलाया फातिमा बिनत असद को, क्यों नहीं बुलाया? बुला सकता था, दरवाजा ओपन होता, बीवी बाहर आ जाती। अगर दरवाजे से बुलाता तो आज दुनिया भर की वो एक इत्तेफाक था, दीवार का फटना इत्तेफाक था। अल्लाह ने दो दफा दीवार अपने आगोश को रसूल ने सलाम किया,
सलाम करने के बाद पहला जुदा होना फातिमा को कैसा लगा कि बेटा बच्चे ने अभी तक आने नहीं किया, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुरिया ले इमाम अली को आगोश रसूल में आए। जैसी आगोश रसूल में आए आंखों को खोल के चेहरे रसूल की ज़ियारत करता है। अजीजों अली वो वाहिद बंदा है नबी आकम से लेके आज तक कि जिसने दुनिया में आने के बाद सबसे पहले जिसके चेहरे की ज़ियारत की वो रसूल था। इससे पहले किसी ने आप तो एक बात क्या और याद आया कि एक और खानदान अहले बैत का था कि जिसने विलादत के बाद आंखें नहीं खोली नहीं समझे वो वारिस अली था वो शबीह अली था। उम्मुल बनीन ने आके कहा इमाम अली से कि या अली बच्चे ने आंखें नहीं खोली। अली ने कहा था घबराओ मत मैं अभी खुलवाता हूँ। हुसैन को बुलाया हुसैन की आगोश में दिया तो अब्बास ने हुसैन के आगोश में आंखों को या अली का ये सादत है या मौला अब्बास की एक सरल पढ़े मोहम्मद वाले को I'm
अली पैसे नहीं मांग रहा, जिसके सदके में जमीन और आसमान पैदा हुए वो क्या मांगेगा यार। एक ही रोटी मांगी थी,
इसलिए कि इंटरनेशनल फकीरों की एसोसिएशन जानती है कि एक से दो मांगेगा तो कोई नहीं देगा। यहाँ पर चौक पे जो दो खड़े हुए रहते बाप फकीर, क्या मांगे? 10 रुपए दे दो, 20 रुपए दे दो, 1 रोटी दे दो। कोई फकीर आपको मिला आज तक जिसने ये कहा कि मुझे 100 रोटी दो, मुझे गोल्ड दो, मुझे 1000 रुपए दो? कुछ भी नहीं होता। फकीरों को मालूम है ज्यादा मांगेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब डिपेंड करता मांग ले किससे, समझे आप, किससे मांग ले। हुआ क्या, उस फकीर ने एक ही रोटी मांगी थी और ये कहा था कि यार की भूखा हूं परेशान, एक रोटी दे। माशवाशा मशहूर अली ने पलट के नंबर से क्या कहा था कि इसको उसने मांगी ए, अली ने कहा इसको रोटियां दो। तो रोटियां दो, अपन ने रोटियां देने लगे देर होने लगी, तो फिर पलट के अली ने पूछा देर क्यों हुई? अमर ने कहा मौला ये रोटियां ये बैग के अंदर, बैग के अंदर संदील में। अली ने कहा पूरा बैग दे दो। फिर देर हुई, पूछा मौला ने कि अब क्यों देर हुई? तो अमर ने कहा मौला वो बैग ऊन पे बना हुआ है, ऊन भी दे दे, दे दे ऊन भी दे दे। अमर ने कहा वो आज तो मौला का करम ज्यादा चल रहा, काश हमारे ऊपर आज चल जाए। नहीं, उसके बाद मौला की जिंदगी के लिए हिसाब पेश करूं।
की रात दुआ करो। तो हर को मालूम है कि आज की रात दुआ करो, अपने लिए भी दुआ करो, दूसरों के लिए भी दुआ करो। आज जो मांगो ये नहीं बोलो कि भावनगर में सारी चीजें मुझे मिल जाए, ये मत बोलो कि आनंद का पूरा बिजनेस मेरे पास आ रहा है। ये दुआ करो कि आनंद का बिजनेस डिवाइड हो, सबको दे। अली अदले खुदा बंदी का मजर है ये, याद रखो तुमको खाली हाथ नहीं जाने देगा, सिर्फ मानने का सलीका चाहिए। तो ये नमाज जो मैं बता रहा जुमले का जिम्मेदार तीन तीन भावनगर में इससे ज्यादा रेकमेंडेड नमाज नहीं, कोई नमाज साल में ये ना कोई काम है वो छोड़ी देने पर रेकमेंडेड हो कि मुश्किलों में परेशानियों में। अब मैं आपको कई वाकयात मेरे सुना सकते आपके मदगास्कर के, ये नमाज 15 से 20 मिनट की नमाज है, आपको हर खिलाफ में मिलेगी, मफादी में भी मिलेगी तो फतराओं में भी मिलेगी। ये नमाज दो दफा पढ़ी जाती है, 15 शाबान की रात के अमाम में ये नमाज है, 14 शाबान की रात जो आने वाली है विलादत की मौलाद उस रात में ये नमाज बहुत रेकमेंडेड है। और आज की रात दुआओं की रात, ये आप कभी भी पढ़ो शेर खदर की रात में कभी, लेकिन आज की रात ये नमाज पढ़ के, इसलिए कि इस नमाज को इमाम अली के फेंडर पर बड़े भाई के मौलानी से दो रिश्ते सुसर भी है बड़े भाई के उनकी नमाज। अगर तुम ये नमाज आज की रात पढ़ो तो मैं मिंबर से उसकी बाधा में कभी नहीं, वो जिस जैसा चाहे जिस तरह चाहे आप पता कर सकते। कोशिश करो कि आपकी रात ये पढ़ के जितने तुम्हारी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं, जितनी तुम्हारी लाइफ के हर्डल्स हैं, वो आज की रात इस नमाज से पूरी कर। दो चीजें करना आज की रात, ये नमाज और ज्यारत अमीनुल्लाह। ज्यारत अमीनुल्लाह नजफ है शर्त, अल्लाह हमको ज्यारत नसीब करे। आज की रात हर आदमी ज्यारत पढ़ ज्यादा कभी आपके ज्यादा मिलेगी ना आपको, आपके सबके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन सबके पास है ना, आज तो बगैर स्मार्टफोन के जिंदगी नहीं गुजर, रोटी ना मिले वाईफाई मिले नहीं इंटरनेट तो रहना चाहिए। तो स्मार्टफोन में डिवाइन कॉल पे जाओ, डिवाइन कॉल वो ऐप डाउनलोड कर उसमें ज्यादा के चैप्टर्स में, ज्यादा के चैप्टर्स में ये ज्यादा ज्यादा के अमीनुल्लाह ये ज्यारत आज की रात भी पढ़ना जो मौला की मखसूस ज्यारत है आज की रात, और कल सुबह फजर के बाद भी पढ़ो ताकि फजर तक नहीं लगे जश्न खत्म करो। ये नमाज हमें आप पहले नमाज की इंपॉर्टेंस बता, ये इतनी रेकमेंडेड नमाज है दोस्त, ये नमाज आई कैसा हमारे पास, ये नमाज जंग खैबर जब हुई खैबर के मैदान में आई ये नमाज, अल्लाह के रसूल होता है कब कैसे बताया कि जब जाफर तैयार पलट कर आए, जाफर तैयार इनको तैयार इसलिए बोलते हैं कि इनके दोनों हाथ काटे गए, अरबी में जिसके हाथ काटे जाते हैं उसको तैयार हो, इनके दोनों हाथों अल्लाह ने इनको दो पर अटा किए, पर तो तैयार होते हैं, हाथ काटने को नहीं बोलते पर समझते हो फिक्स जिसको इंग्लिश में, तो इनको अल्लाह ने जन्नत में दो पर दिए जिससे वो हवा में प्रवास करते जिब्राइल के साथ मिखाई देते जगह मौता में इनके हाथ काटे जगह मौता जॉर्डन में आज भी वो जगह मौजूद है, आज भी जाफर तैयार की खबर मौजूद है, मैं जा चुका मैं ज्यारत कर चुका हूँ, अमान में है जॉर्डन, अमान से 2 घंटे की रास्ते पे एक जगह है मौता लिखा हुआ है वहां जाइए, आज भी बहुत बड़ा इनका बाजार है, ये बहुत जबरदस्त इनसे द्वारा कबूल है। तो आज की रात की इंपॉर्टेंटली नमाज जब जाफर तैयार अफ्रीका में जो आज पूरे मुसलमान है वो जाफर तैयार की वजह से
साथ 70 मुसलमानों को अफ्रीका भेज दिया। वहां पे जाफर तैयार फोर पे शॉट कर 14 इयर्स रहे, 13 से 14 इयर्स। जब गए थे तो इस्लाम मक्के में थे, वापस आए तो इस्लाम मदीने में आ गए। अब मदीने में वो जगह थी क्या खैबर गए थे आखिरी जंग इस्लाम में। जाफर तैयार मदीना शहर में आए, लोगों से पूछा अल्लाह का रसूल कहाँ है, तो पता चला मदीना के खैबर गए। खैबर 170 किलोमीटर के ऊपर ये फोर्ट है आज भी। जाफर तैयार पलट के खैबर आए, तो ये वो जब टाइम था कि जब 40 दिन के बाद इमाम अली ने जंग को फतह किया, अली वापस आ रहे थे खैबर से, एक हाथ में मरहम का सर था, एक हाथ में ज़ुल्फ़िकार, क्या शान से मेरा मौला आ रहा है। जब आ रहा था तो रास्ते में बड़े भाई से मुलाकात, दोनों भाई एक दूसरे से गले मिले, हग लिए। मिलने के बाद ये दोनों रसूलुल्लाह के खैमे में गए। अल्लाह का रसूल ज़ाहिरी तौर पे इमाम अली का वेट कर, लेकिन मालूम था कि दावत भी आने वाली। जैसे ही गए रसूलुल्लाह खड़े हो, सबसे पहले इमाम अली को सीने से लगाया, लगाने के बाद खैबर की मुबारकबाद दी, फिर अपने दोनों हाथों ऐसा किया, जाफर तैयार के शोल्डर पर रखा, हक किया शोल्डर पर रख के कहा जाफर आज अल्लाह ने नबी आदम से लेके ईसा नबी तक, प्लीज वॉच दिस, नबी आदम से लेके ईसा नबी तक किसी नबी की उम्मत को ये तोहफा ये गिफ्ट नहीं दिया कि मेरी उम्मत को तुम्हारे जरिए दे कि जो ये नमाज पढ़ेगा अगर उसके हजार सितारों के मानिंद होंगे, स्टार्स काउंटलेस होंगे, जमीन के जर्रों के वाला जो काउंट नहीं कर सकते, ड्रॉप्स ऑफ वाटर पानी के खतरों के बराबर आज ये नमाज पढ़ेगा, पत्तों के बराबर जो काउंटलेस और दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ को, वो मुसल्ले से नहीं उठेगा उसकी हालत पूरी। आप इतने खामोश कैसे, शक है आप लोग पढ़ते हैं नमाज एवरी फ्राइडे पर जुमे की रिकमेंडेड नमाज है, नमाज है जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब, जनाब अबू तालिब के ये तीसरे बेटे थे, थर्ड सन, पहले बेटे तालिब, दूसरे बेटे अखी जनाब मुस्लिम के वालिद, थर्ड जाफर तैयार और फोर्थ मवाल। बीच में तीन बहनें थी, मैं खाली स्केच पेश कर, तो उसके बाद ये नमाज इतनी कॉमन और इतनी बड़ी गई। ये एक नमाज ऐसी है, प्लीज वॉच दिस, ये एक नमाज ऐसी है पूरी नमाजों में जिसमें 300 टाइम्स 300 मरतबा अल्लाह की तस्बीह पढ़ी जाती है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह हु, ये 300 टाइम्स पढ़े। ये नमाज का तरीका आप YouTube पे देख लें, YouTube पे आप मेरा नाम टाइप करो नमाज जाफर तैयार, आपको नमाज आ जाएगी। ये नमाज आज की रात पढ़ो, रसूल का वादा है कि सितारों के बारे में कि सितारों के माने भी हजार और दुआ होगी तो आज पूरी होगी। आज की रात कायनात का मुश्किल पूछा उसकी रात घर जाके सो मत, तो एक घंटा मान लो मैं आपसे, जब तुम घर चले जाओ वन एंड हाफ आवर में नमाज भी हो जाएगी ज्यारत भी हो जाएगी। खड़ा हो दौड़ने के लिए 6 हिस्से पड़ते हैं। इमाम अली क्या पर्सनालिटी है कि वो चलाता है तो सब कार्य खुदा चलता है, वो चलाता है तो सब कार्य खुदा चलता है, हुक्म से काफिला अर्ज और समा चलता है, इस तरह सिलसिला लुत्फ व अता चलता है, अरे उसके एहसान का कब किसको पता चलता है। उसके एहसान का काम किसको पता चलता है, शय बदलती नहीं तासीर बदल जाती है, या अली कहते ही तकदीर बदल जाता है। आज की रात को अपनी तकदीरों में बदल।
ये तो फादर है, फादर है। आपको फिक्र नहीं होगी कि मेरी तकदीर बदले, उसकी मेरी नमाज। आपको इस नमाज के एक और इम्पोर्टेंट पता लगता है कि मदागास्कर में हमारे साथ रमजान पड़ा, वहां पर किडनैपिंग बहुत हो गई। कोई है ना मदागास्कर का? हम बहुत किडनैपिंग होती है और मिलियन सब डॉलर वॉलर मांगते हैं हम सब। तो मैं जब खोजे खोले वहां पे जब मैं गया तो मुझे पता चला कि बहुत बड़े मिलियन का जवान बेटा किडनैप हो गया और उनके फादर से वो लोग हाफ ए मिलियन डॉलर मांगते, हाफ मिलियन यूरो, सॉरी नॉट डॉलर, 5 लाख यूरो मांगते। परेशान सर क्या होने वाले। तो उनकी माँ ने मुझसे कहा मैं गया बता रमजान पढ़ो, आई थिंक 2017 का रमजान या 2018 का रमजान, वो ये वाक्या पूरा मैंने उसको पढ़ा हुआ। तो आगे कहा मौलाना ये नमाज और सारा का आशुरा के आमान करो, चल मेरा बच्चा निकल गया, रोए डाल हुआ मैं घर गया। 40,000 लोग थे, रमजान था 2018। आप यकीन करो मेंबर से बोल रहा, बस शॉर्ट करके बोल रहा ये रात में आमाद हुए, नमाज हुई और उसके बाद ज्यादा आशीर्वाद क्रिया होगी मातम हुआ। 24 आवर्स के अंदर जवान बेटे को छोड़ दिया गया, 24 आवर्स। ये एक बात जानी हमारे का कहीं कहीं ऐसे बात है कि इस नमाज इससे ज्यादा रिकमेंडेड कोई नमाजी मैं जिम्मेदारी से बोला 3 दिन आप मैं हूँ, इससे ज्यादा रेकमेंडेड कोई नमाज नहीं। आज की रात पढ़ के अपनी तकदीर को बदल, पूरी लिस्ट भी खोल के तुम्हें दुआ क्या मांगना, ये मांगो, कोई कमी नहीं है। ये पढ़ो शब नमाज पढ़ो, ज्यादा क्या अपनी लुटा पढ़ो और सलवात की और अस्तगफार की एक एक तस्बीह पढ़ो, उसके बाद कल की सुबह बस खत्म कर रहा हूं मेरा टाइम हो गया 45 मिनट्स हो गया। कल की सुबह, कल की सुबह सोने की नहीं, कल की फजर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर रोज इंपॉर्टेंट है तो कल की और इंपॉर्टेंट। मौला की जो विलादत हुई, मौला तो दुनिया में आए खाने काबा के अंदर, आज हमें काबे में छोड़ा था, मैं वहीं से लेकर चलूंगा, इसलिए आज घुमाए बताने के लिए मेरे ऊपर प्रेशर था, मैं अंदर आ रहा था, सब आदमी मेरे मन में दुआ बताओ। तो कल से इंशाल्लाह पूरा वाकया होगा, फजर से पहले अली का नूर जाहिर हो तो बेहतरीन नमाज में कल की सुबह नमाज फजर पढ़ना, पढ़ने के बाद ज्यारत अमीनुल्लाह पढ़ो और 2 रकअत ज्यारत की नमाज पढ़ो, घरों में ही पढ़ो लेकिन पढ़ो, उसके बाद 2 रकअत सलामती इमाम ज़माना पढ़ो। कल असल में बर्थडे का जो हफ्ता है मुबारकबाद देने का मुकाम तो कल हर आदमी अपने जमाने के इमाम को उनके दादा का ग्रैंडफादर की विलादत की मुबारकबाद दे। कल की सुबह 2 रकअत नमाज पढ़ के सलामी की आवाज, जब कल तुम इमाम की सलामी की नमाज पढ़ो मौला को ये तोहफा दो कि मौला आपको आपके दादा की सालगिरह मुबारक, उसके बाद मांगो, आप यकीन करो इमाम भी तुम्हारी सलामी की दुआ करेगा। ये मत समझे गए तुम दो तीन तीन बूस्टर्स ले लोगे तुम कोविड से बचोगे, जरूर लो, बचाने वाले ये याद है, बचाने वाले घेरे वाले इमाम, सलामती की नमाज पढ़ो और उसके बाद आखिरी चीज खत्म करा जैसे 110 मरतबा 110 टाइम सलवात पढ़ो, बिस्मिल्लाह अगर उसकी बीवी कोई बच्चा बच्चा पैदा हो और जब बच्चा पैदा हो उस वक्त
की माँ से कोई मांगे इस बच्चे के नाम पर, तो माँ कितनी भी गरीब होगी कुछ तो देगी कि पहली मरतबा मुझसे मांगा है मेरे बच्चे के नाम। दोस्तों फातिमा बिन्त असद अली की माँ, उनसे मांगो और ये बोलो कि आपके इस बेटे का वास्ता मुझे कोई ठीक है।
लोगों की मदद करें। ये बेहतरीन तोहफा है इमाम अली, इससे अच्छा कोई तोहफा नहीं। बहरहाल दुआ करता कि परवरदिगार इमाम अली की विलादत का वास्ता, इस राह का वास्ता, जितने लोग हाथों फैलाए गए, अल्लाह हमारे इस जश्न को मौला की बारगाह में कबूल ऐसा को बोल रहा, पीछे वालों को भी आमीन बोल जोर से। मौला का बारगाह में, इमाम ज़माना की बारगाह में ये जश्न कबूल हो जाए। और जो जो ये लोग दुआओं को हालात को लेकर के आए, अल्लाह इनकी सारी हालात को आज की रात पूरा कर। मोहब्बत मौला कायनात में जिंदा रहा और अली की मोहब्बत में दुनिया से हो गया। हमारे गुनाह कबीला समझना को माफ कर दे। परवरदिगार आज की रात हमारे सारे मरहूमीन को इमाम अली के नाम में माफ कर। हर मौला के जाने वाले की खबर में अपनी रहमतों को नाज़िल फरमा। परवरदिगार हमारा नाम भी उन लोगों में लिखे जिन्होंने इमाम अली का जश्न किया, जिन जिन लोगों ने जश्न में शिरकत की और काम में जिन्होंने सुनने हिस्सा लिया, अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा फरमा, उनके रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। परवरदिगार तू हमको माफ कर दे। हमारा खात्मा ईमान पर और फर्ज़ंद मज़लूम की भी ज़ेरा मेरे इमाम ज़माना को सलामत रख। मौला की सलामती के सदक़े में पूरी दुनिया में जितने लोग ईमान है उसे अहले कामिला, बीमारियां हमारे जिस्मों में उसको दूर कर, हर आने वाली बीमारी से महफूज रख। अल्लाह आज की रात किसी का मोहताज बनाना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद, मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजीद फरमा। हम सब तो इमाम के नासिरों में शुमार, चैन दुनिया में मिले, राहत में हुक्मा मिल जाए, शिद्दत इश्क मिले, हम का सलीखा मिल जाए, फातिमा आपकी औलाद का सदखा मिल जाए। एक सूरह फातिहा पढ़ के आज एक मोमिना का इंतखाब हो गया कि मुझे बताया गया साढ़े दस मुझे शहर की तस्वीर है उनके लिए पढ़े, और जिन जिन लोगों ने जब्बा चौक में हिस्सा लिया उनके लिए अपने अपने सारे पर रही तमाम उलमा साकिरीन मुश्तहरीन मामलदार सारे मराजे आलम जो मरहूमी है उनके लिए, जिसकी भी आज पहली रात है उसके लिए, मेरे वालदैन और अहलिया के लिए भी सूरह फातिहा।